अकोला में आयोजित वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय संत उमेशनाथ महाराज की दर्शन यात्रा में निर्दलीय उम्मीदवार हरीश हेमचंदानी ने भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा में वाल्मीकि समाज के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। अकोला में वाल्मीकि समाज की ओर से राष्ट्रीय संत और राज्यसभा सदस्य उमेशनाथ महाराज के दर्शन के लिए एक विशेष यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा का आयोजन विजयनगर क्षेत्र में किया गया, जहां संत उमेशनाथ महाराज के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए वाल्मीकि समाज के अनगिनत लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर अकोला पश्चिम विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार हरीश रतनलाल अलमचंदानी भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। उन्होंने संत उमेशनाथ महाराज का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जो उनके लिए प्रेरणादायी था। अलीम चंदानी की इस सहभागिता को समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहा और इस यात्रा में उनकी उपस्थिति से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया। दर्शन यात्रा के दौरान वाल्मीकि समाज के असंख्य महिला पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संत उमेशनाथ महाराज के दर्शन का अवसर पाकर सभी में उत्साह देखा गया और यह आयोजन पूरे समाज को एकजुट करने का माध्यम बना। हरीश हेमचंदानी की इस यात्रा में सहभागिता से यह संकेत मिला कि वे समाज के सभी वर्गों से जुड़े हैं और उनकी परंपराओं का सम्मान करते हैं। अकोला के चुनावी माहौल में संत उमेशनाथ महाराज के आशीर्वाद से प्रेरित होकर अलीम चंदानी ने समाज सेवा और जन कल्याण के संकल्प को और मजबूत किया है, जो उनकी लोकप्रियता को और बढ़ावा देता है।